हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में अपना विंटर का सेकंड पैक शेयर कर रही हूँ, ठीक है गाइस। और आज मैं जो पैक लगा रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ बालों की स्मूथनिंग के लिए, कैरेटिन ट्रीटमेंट के लिए और आपके बालों की रिबॉन्डिंग के लिए, ठीक है। बहुत ही औसम पैक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। आपके जो बाल होते हैं बहुत ही जल्दी से लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं और वर्क इतना अच्छा है इसका, अगर आप इसको 1 महीने कंटिन्यू करते हो तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है गर्मियों, ठंडियों में ही, गर्मियों में आपको यूज़ नहीं करना। अगर आप गर्मियों में यूज़ कर रहे हो तो उसका यूज़ करने का जो तरीका है, मेथड है, वो अलग से है, ठीक है गाइस। तो आपको अपने बालों को सबसे पहले क्या करना है, आप अगर कोई टोनर यूज़ करो, जैसे अपना टोनर आप यूज़ करो राइस का, ग्रीन टी का जूस, जैसे आपका वो हो गया जिंजर का हो गया, या फिर आप गुआवा लीव्स का कुछ भी यूज़ करो, उसको यूज़ करिए रात में, ठीक है। रात में अच्छे से अपने बालों में कॉम करिए, कॉम करने के बाद से टोनर लगाइए। टोनर लगाने के बाद से मॉर्निंग में आप आज ही वाला जो पैक मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, कैरेटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट, सारी ही चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बहुत ही औसम सा पैक है ये, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। इससे आपके बाल बहुत ही मजबूत होना स्टार्ट हो जाते हैं, नए हेयर निकलते हैं और आपके जो बालों की जो टेक्सचर होता है काफ़ी अच्छा होने लगता है, बहुत ही सिल्की बाल होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए, यूज़ करिए। आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोग के साथ में बता देती हूँ, ठीक है। मैं अप्लाई एप्लीकेशन दिखाऊंगी आप लोग को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके बालों को मजबूती देता है, ठीक है। आपके बालों को जड़ से लेकर लेंथ तक लंबा बनाता है, जिससे आपको स्प्लिटिंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद से आपके बालों को जल्दी जल्दी लंबा करने का काम करता है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद से आपके बाल जो होते हैं, बेबी हेयर जो होते हैं, उनको जल्दी से लॉन्ग करने का काम करता है, जिससे आपके बाल नीचे जाकर के मोटे, घने और लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाल आपके थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके बाल रफ़ एंड ड्राई हैं उनमें ये बहुत ही अच्छी जान डालता है, जिससे आपके बाल बहुत ही सुंदर, स्मूथ और सिल्की होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके जो बाल होते हैं उनका जो टेक्स्चर होता है वो भी काफ़ी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जब आप इसको लगाओगे, लगाने के बाद आपको 2 घंटे के लिए अपने बालों में छोड़ना है, 2 घंटे बाद आपको शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद से आप अपने बालों में कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप कंडीशनर करना चाहते हो तो अपना DIY यूज़ करिए। कंडीशनर मैंने बाहर का छोड़ दिया है और सीरम भी मैंने बाहर का छोड़ दिया है, मैं बस अपना यही पैक वगैरह, ऑयल वगैरह लगाती हूँ होममेड, और जो चीज़ें मैं आप लोग के साथ में मतलब लगाती हूँ वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको 2 घंटे अपने बालों में लगा के रखोगे, 2 घंटे बाद आपको शैम्पू करना है। शैम्पू आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, मैं जो यूज़ करती हूँ क्लिनिक प्लस का यूज़ करती हूँ, मिल्क प्रोटीन शैम्पू और आलमंड ऑयल के साथ में जो आता है वो। जब मैं कोई पैक लगाती हूँ तो मैं आलमंड ऑयल के साथ में जो शैम्पू है क्लिनिक प्लस का वो यूज़ करती हूँ, और मैं नॉर्मल तरीके से अगर जब मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ मिल्क प्रोटीन शैम्पू, ठीक है। तो आप अपने बालों में ये पैक लगाइएगा, जो भी आपको फीडबैक मिलता है, कम से कम 4 से 5 बार इसको लगाइएगा 1 महीने में, कम से कम 8 बार तो लगा कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, औसम है। जब आप इस पैक को छोड़ देते हो तो भी आपके जो बाल होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट रहता है, उनका वो ग्रो होते ही रहते हैं, कंटिन्यू रहता है उनका। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दे रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी या फिर आपके बाल नहीं बढ़ेंगे। कृष्णा सो रहा है एक्चुअली, इस वजह से मैं देख रही थी उसको। तो चलिए देख लेते हैं गाइस पैक को बनाना कैसे है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं पैक को कैसे रेडी करना है। ये जो पैक मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही इफेक्टिव पैक है, इससे आपके बालों की जो झड़ने की समस्या है वो कम होती है, आपके जो बाल होते हैं वो कम झड़ते हैं, मजबूत होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी ठंडी जो है वो बीच की ठंडी पड़ रही है, तो आप लोग कंटिन्यूटी में एग पैक यूज़ कर सकते हो, और मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ अपना एग पैक ही। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिगारो का ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल, ठीक है, और ये देखिए खाली है ये डब्बा, और मैं इसमें बना रही हूँ क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं एग वगैरह, तो इसलिए इसमें बना रही हूँ। मैं 4 से 5 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद से आप अपने हिसाब से मेज़र कर लीजिएगा, मैं करती रहती हूँ तो मुझे आदत है, ठीक है। उसके बाद से मैं यहाँ पर एग ले रही हूँ, यहाँ मुझे ब्राउन एग नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइट ही एग ले रही हूँ, और वाइट एग ले करके आपको इसका पूरा ही डालना है इसमें, ये देखिए कुछ ऐसे करके, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और उसके बाद से अपने बालों को सुलझा करके अच्छे से बालों में पैक लगाएंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम शैम्पू से वॉश कर लेंगे, ठीक है।
खूब अच्छे से इसको मिक्स करिए। आप बड़े बर्तन में लोगे तो आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और इससे आपके बालों में स्मूदनिंग जो ट्रीटमेंट आप कराते हो बाहर से या फिर कैरफी ट्रीटमेंट कराते हो या फिर स्ट्रेटनिंग कराते हो, रिबॉन्डिंग कराते हो, ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने अच्छे से इसको मिक्स करोगे उतने ही अच्छे से ये स्मूथ क्रीम बन जाएगा। अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मिक्स कर करके ही इसको, और उसके बाद ही दिखाती हूँ आप लोग को इसका रिजल्ट। अगर आपके पास बिस्तर है तो आप बिस्तर से भी इसको ग्राइंड कर सकते हो। अगर आप खाते हो नॉनवेज वगैरह तो आप मिक्सर में भी डाल के इसको ऑलिव ऑयल और अपना एग मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए कलर देखिए इसका, और मिक्स करने के बाद से इसका देख रहे हैं आप किस तरह से ये गिर रहा है फटाफट से। तो चलिए इसको लगा लेते हैं अपने बालों में। सो गाइज, आप अपने बालों को यहाँ पर अच्छे से रात में जो आपने टोनर लगाया है, कोई भी आपने टोनर जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हो वो टोनर लगा लीजिए, उसके बाद से अपने बालों में ये पैक लगाइए, ठीक है। आप कॉम करोगे तो कॉम करना है तो कॉम कर सकते हैं, नहीं करना है कॉम तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप टोनर लगाते हो ना तो आपको दो तरीके की चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसे आपके जो टोनर में गुडनेस है वो, और उसके बाद से इस पैक का भी गुडनेस, ठीक है। तो अपने बालों को, सारे बालों को साइड कर लीजिए। मेरे बालों की लेंथ देखिए गाइस, आप लोग मेरे बालों की लेंथ देखिए और थिकनेस देखिएगा और शाइनिंग देखिए। देख रहे हो आप लोग, तो मैं पैक ऐसे ही लगाती हूँ साइड से ही। तो चलिए लगा लेते हैं पैक को। थोड़ी सी लाइट की यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है यार, दिक्कत होती है लाइट की। देखिए मेरा पैक कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से गिर रहा है ये, और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ही ईजी है, दिक्कत नहीं होती है। अगर आप इसको इस तरीके से बना करके अच्छे से फेंटते हो, बड़े से कटोरे में ही इसको आपको फेंटना है। मैं आप लोग को यहाँ पर एक बार कैमरे में ही दिखाती हूँ लगा के, उसके बाद मैं नीचे रखती हूँ इसको। देख रहे हैं आप लोग मेरी जो मांग है कितनी पतली पतली मांग निकल रही है, और कितनी पतली, बहुत ही पतली सी मांग निकलती है मेरी गाइस। क्यों? क्योंकि जो मेरे बालों की थिकनेस है ना काफ़ी अच्छी है, और थिकनेस आपकी केयर पे ही डिपेंड करती है। अगर आपके बालों की थिकनेस अच्छी होती है तो बाल आपके मोटे लंबे घने लगते हैं, ठीक है। आपके बालों की अगर थिकनेस नहीं होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है, नॉलेज होती है उसकी, तभी आपके चीज़ें वर्क करती हैं, और जो वर्क करती हैं वो सामने दिख जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के आपने देखे होंगे कितनी चौड़ी चौड़ी और
ब्रॉड सी मांग निकलती है। और मेरी देखिए, मैं आप लोग के सामने ही निकाल रही हूँ और कोई कैमरा ट्रिक भी नहीं है। अब इसमें कोई कैमरा ट्रिक क्या करेगा, और मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग आती भी नहीं है सही बताऊँ तो। और जिसको बालों की, मतलब जैसे बहुत से लोग हैं जिनको बालों की स्ट्रेटनिंग पसंद है, ठीक है, कहीं उनको जाना है तो वो अपने पूरे बालों का सेक्शन लेकर के लेंथ में अप्लाई करें इसके इस पैक को अच्छे से, और उसके बाद से आप स्कैल्प में भी अप्लाई करिए इसको, ठीक है। तो इससे आपको रिबॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल इससे ही बहुत ही स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे मेरे बाल जो हैं ऑलरेडी सीधे हैं गाइस, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है, मेरे बाल जो हैं ऑलरेडी सीधे हैं तो इसलिए मैं केवल इसको लेंथ अपने स्कैल्प में ही अप्लाई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बालों की जो थिकनेस है वो चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे बाल पहले से थोड़े से कम लगने लगे हैं, क्योंकि जैसे न्यू हेयर बेबी जो आ रहे हैं ना उनको लंबा करना चाहती हूँ मैं, और बाल जो हैं थोड़े से थिक हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ इस पैक को। गाइस फ्रंट साइड लग गया है और अब मैं बैक साइड लगा लूँगी। ये जो ब्रश है ना काफ़ी अच्छा ब्रश है।
पैक लगाने के बाद गाइस अच्छा सा बन बना लीजिए, ठीक है, और इसको आप छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे बाद अपने बालों को आप वॉश कर लीजिए शैम्पू से, ठीक है गाइस। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार मैं जूड़ा सही कर लूँ, ऐसे ऐसे करने पर दिक्कत हो रही है, काफ़ी हैवी हो गया है मेरा जो बाल है, और जब नी जब फ्लोर लेंथ हो जाएंगे तब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अपने बालों में, क्योंकि यार गाइस जब लंबे बाल होते हैं ना तो उनकी जो केयर होती है ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लंबे बालों में केयर बहुत चाहिए होती है, बहुत चाहिए होती है। ये देखिए ऐसे करके, ठीक है, पीछे आप जुड़ा बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये मेरा जुड़ा इतने अच्छे से टिक गया है, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, और मैंने यहाँ पे फ्रंट पे बनाया था तो दिक्कत हो रही थी। और चलिए बस इस तरीके से मैं जूड़े को छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।